तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज के एक नए माइनक्राफ्ट के हीरो ब्रांड एपिसोड में। और आज अपन लोग हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर वापस आ चुके हैं और आज वापस अपन लोग हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर ही कुछ ना कुछ चीज करने वाले हैं। बट मैंने सोचा नहीं कि क्या करने वाला हो। बट हाँ, उससे पहले आप ये मेरा वाला किला देख लो। आधे से ज्यादा किला जो है टीएनटी कैनन से इन लोगों ने तोड़ दिया है। रोनी भाई ये अपने सामने थे। रोनी भाई मेरे ख्याल से रोनी भाई ने ही टीएनटी बम वगैरह फेंक के किला तोड़ा था। और हाँ, एसएमपी के अंदर बहुत बड़ा एक झोल चल रहा है जिसके अंदर मेरा फ्लीट का और उज्जवल का नाम आया है। और हाँ, मैंने उसके अंदर चीजें करी है बट उस लेवल की नहीं करी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करी है। जैसे मैंने बोला, हाँ हीरो ब्रांड एसएमपी के थोड़े बहुत प्लानिंग के अंदर मैं शामिल था बट वो वाला शामिल नहीं था कि लोगों का नुकसान हो। मैंने ये बोला कि नहीं, अगर लोगों का नुकसान होता है, देखो उज्जवल भाई और फ्लीट भाई, और मैंने स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करना स्टार्ट किया था बट उसके अंदर ऐसा था कि अगर लोगों का नुकसान होता है तो मैं नहीं रहूंगा। और उसके बाद जैसे लोगों का नुकसान होना स्टार्ट हुआ, मैंने बोला कि अभी मैं प्लानिंग के अंदर नहीं हूँ। बट यहाँ पे उज्जवल भाई और फ्लूइड भाई ने मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें एसएमपी के मेंबर को सभी को बता रखी है जिससे एसएमपी के कोई भी मेंबर मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। तो आज के इस वीडियो के बाद ना आप लोग मेरे ऊपर आई थिंक भरोसा करने लगोगे और आप लोगों को पता लग जाएगा कि किसने ये सब कांड किए। तो सभी चीजें आज के इस एपिसोड के एंड तक आपको पता लग जाएगी। यहाँ पे स्मार्टी भाई अपनी एक लड़ाई कर रहा है और स्मार्टी भाई भाई को अपनी लड़ाई करने देते हैं। बाकी देखते हैं और कौन कौन ऑनलाइन है एसएमपी के अंदर। देखो यहाँ पे ना मैंने सुना है कि एसएमपी के अंदर एक कोड बनाया गया है। मैं पहले आपको कोड दिखा देता हूँ और उस कोड के अंदर ना हमारी आने वाले वीक में सुनवाई है और मुझे लगता है इस सैटरडे या तो संडे को ही हीरो ब्रांड एसएमपी की मेन लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है जिसके अंदर मुझे फ्लीट को और उज्जवल भाई को, हम तीनों को कोर्ट के अंदर ले जाएगा। ये देखो ये वाला कोर्ट, इसके अंदर हमको लेके आएगा और यहाँ पे हमारी पूछताछ होने वाली है। मतलब प्रूफ दिखाने होंगे कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद पता लगेगा। मतलब जैसे प्रूफ देंगे उसके बाद। अब देखो सीन ये है कि तुम लोगों को पता है कि मैं कसूरवार हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं हूँ जितना उज्जवल भाई और फ्लीट भाई है। बट हाँ, मेरे को भी अगर कोर्ट में सही साबित होना है तो सिंपल है, मेरे को भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ देने होंगे जिससे मैं सही साबित हो जाऊँ। और ये है कोर्ट जिसके अंदर मैं जाना चाहता हूँ बट मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि वैसे भी जाने वाला हूँ मैं थोड़े समय के बाद ही कोर्ट के अंदर, जब सुनवाई होगी तब। बट तब तक के लिए कोर्ट के अंदर अपन लोग नहीं जाने वाले हैं। और एक कोर्ट देख लो, यहाँ पे अपनी हियरिंग होने वाली है। ये है कोर्ट, बाहर से मैं तुम्हें नजारा दिखा देता हूँ। बाय द वे अपन लोगों को ना उसके लिए एक लॉयर चाहिए होगा। तुम्हें पता है कि एसएमपी के अंदर फ्लीट भी अपना एक लॉयर लेके आएगा, उज्जवल भाई और फ्लीट भाई मेरे को लगता है दोनों एक लॉयर लेके आएंगे। और मेरी साइड से मुझे भी एक लॉयर चाहिए होगा, एक वकील चाहिए होगा कि जो मेरा केस लड़े। अगर मैं सिंपल है, मैं अपना केस खुद नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे एक लॉयर चाहिए जो कि मेरी साइड से सभी चीज़ें जज को बताएगा। और जज आई थिंक रोनी भाई है, तो बहुत ही मगजमारी वाला सीन होने वाला है क्योंकि रोनी भाई मांगे कि सभी प्रूफ, और वो प्रूफ मेरे पास है। आप लोग रुको, वीडियो एंड तक देखो और आप जब ये प्रूफ सभी देखोगे ना उसके बाद आप लोग भी हिल जाओगे कि भाई ये क्या सीन है। और सही में आप लोगों को आज पता लगेगा इस एसएमपी का काला सच। हाँ, आप बोल सकते हो ऐसा डार्क सीक्रेट जो बोलते हैं ना ऐसा। तो अभी आ जाओ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं अभी के लिए। ओ भाई सब स्मार्टीफाई इधर घूम रहे हैं। और कौन ऑनलाइन है? ओके ईशान भाई भी ऑनलाइन है, बट ईशान भाई किधर है? आई थिंक मुझे लगता है ईशान भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने लिए। अगर अपन को वकील चाहिए तो वो हमारे वकील बन सकते हैं। अभी ईशान भाई हमारे क्यों वकील बन सकते हैं उसके बारे में बताओ तो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरा और ईशान भाई का ना जब एसएमपी के अंदर हम लोग नहीं थे तब से हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एसएमपी के अंदर भी काफ़ी अच्छे दोस्त हम लोग अभी वापस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ईशान भाई शायद से मेरा केस लड़ सकते हैं। बट ईशान भाई किधर मेरे को एसएमपी के अंदर मिलेंगे क्योंकि ईशान भाई दिखा तो रहे हैं कि वो ऑनलाइन है बट वो दिख नहीं रहे कहीं पे। इधर भैया ईशान भाई, मैं एक काम करता हूँ, चैट के अंदर एक मैसेज डाल देता हूँ और ईशान भाई को बुला लेता हूँ डिस्कॉर्ड। ईशान भाई DC आ जाओ, ऐसा लिख देता हूँ, आ जाओ। ओके चलो, यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप कर दिया, ईशान भाई DC आ जाओ। वेट करते हैं कब तक ईशान भाई DC आएंगे। DC नहीं, DC आएंगे। चलो आ रहे ईशान भाई, DC आ रहे। अरे अरे ईशान भाई क्या हालचाल? कुछ नहीं अज्जी भाई, अभी कैसीनो में इसे मन बहला रहा हूं और कुछ नहीं। अरे अरे यहाँ पे रेड हुआ, एक मिनट आ जाओ ना। स्मार्टी भाई भाई अकेले अकेले लड़ रहे, अपन भी थोड़ा देख ले इन लोगों को। चल 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 चिमकांडी। अरे 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 क्या बात करते हो भाई, क्या मतलब ऐसा बोलोगे क्या अभी ईशान भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ना आप मेरी सोड के पास आ जाओ, मेरी तलवार के पास आ जाओ क्योंकि ना मेरे को आपसे कुछ काम है, आपको कुछ चीजें दिखानी है।
जो कि एक नंबर ओपी वाली है। किधर है ईशान भाई? आगे 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 आ जाओ आ जाओ। अरे ईशान भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ना अपने लिए एक लॉयर ढूंढ रहा हूँ, और क्योंकि आपको पता है आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर कोर्ट के अंदर मगजमारी होने वाली है। हाँ मुझे पता है कि केस चलने वाला है आपका, कोर्ट ही पूरा बना है मैंने, दौनी भाई ने और चपाती भाई ने मिलके ये सब। हाँ। तो मुझे पता है, लेकिन अच्छे भाई देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने आपको डेफिनेटली बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा फ्लिकर उज्जवल से बदला लेने के लिए, बट पहले अपन लोग इनको मार देते। एक मिनट रुको, इनको मार देते पहले। ये सब चोल मार दो पहले। अरे सर जी सीन है कि मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कवच नहीं है, तो इसलिए मेरे को मार ज्यादा पड़ी है। हाँ तो आप कोर्ट के बारे में क्या बोल रहे थे ईशान भाई? सुन अजय भाई कैसा है ना, थोड़ा साइड में जाओ, यहाँ पे मेरे घर के एकदम आपके पास आ जाता, थोड़ा सा सेफ रहेंगे हम लोग शायद से। तो देखो अजय भाई सीन ऐसा है, मैंने डेफिनेटली बोला था आपको रिसोर्सेस वगैरह दूंगा उज्जवल और फ्लीट से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो लोग भाई उन्होंने भी गंदा किया है, आपने भी गलत चीजें की है, लेकिन आप मान रहे हो और आपको गिल्टी फील हो रहा है ये मुझे पता है। बट अच्छे भाई मैं आपका लॉयर नहीं बन सकता भाई। क्यों नहीं? देखो उसके एक्चुअली दो रीजन है, एक तो भाई अच्छे भाई डेफिनेटली आपने गलत किया है। हाँ बट वो तो मैं भी मान रहा हूँ कि हाँ मैंने किया है, मैं इतना गलत नहीं किया जितना उन लोगों ने किया था, वो चीज मैं मान रहा हूँ ना। मैंने एसएमपी के अंदर जितने भी लोग हैं, जैसे आप लोगों का कुछ भी नुकसान होने वाला था उस टाइम पे मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं हूँ प्लानिंग के अंदर, समझ रहे हो? तो मैंने आके आप लोगों को बताया ना ये प्लानिंग की, उन लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग, तो आप मेरे लॉयर क्यों नहीं बन सकते? मैं सभी चीज़ें, अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा, लाइक मेरे पास सब चीज़ें है, लाइक क्या आपको चाहिए? दूसरा रीजन ऐसा है अज्जू भाई ओके, कि मुझे ना आप पे थोड़ा भी कम भरोसा। क्यों भाई? क्योंकि अजय भाई देखो आपने मुझे स्टार्टिंग से ये प्लान के बारे में बताया नहीं था। सही बात है, ऑब्वियसली आपकी शायद गलती कम हो गई इस बार जितना बाकी लोग बोल रहे हैं, बट मेरे लिए ज्यादा ही है। और ऐसा हो जाएगा अजय भाई देखो, फुल मैं बायस बंदा हो जाऊंगा कि भाई एक तो आपके खिलाफ हो जाऊंगा या फिर आपके बहुत साथ हो जाऊंगा, आपका दोस्त था इसलिए, लाइक दोनों में से एक ही चीज होगी। सही बात, तो लॉयर ऐसा बनना चाहिए आपको, मुझे लगता है कि जो शायद से लाइक जो सच है वही बोले। हाँ, बिल्कुल ना करे उसको, तभी आपका केस स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली। तो एक काम करते हैं, स्मार्टी भाई भी ऑनलाइन है तो एक बार के लिए देखते हैं, चलो मैं स्मार्टी भाई से भी एक बार के लिए बातचीत कर लूँ, क्या बोलते हो? एक काम करो ना, आप मैसेज डाल दो ना, अगर आप मेरे नहीं बन सकते लॉयर कोई ना, क्योंकि मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता, क्योंकि ये काम दिल से होना चाहिए मैं चाहता हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा कम ट्रस्ट है तो कोई ना, मैं स्मार्टी भाई से एक बार बातचीत करता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो फिर तो आपको ही केस लड़ना होगा। देखो बस मुझे ट्रस्ट वैसा वाला कम नहीं, ओके, लाइक ऑब्वियसली अगर हम लोग पूरा एज अ लॉयर बन के डिस्कस करेंगे तो शायद से आप मुझे बहुत सारा सच बता दोगे। बहुत सारा सच है मेरे पास, प्रूफ भी है, कुछ प्रूफ भी है। उसके बाद भी कैसा है, मैं आपका अच्छा दोस्त था ओके एसएमबी में, अभी भी एक्चुअली थोड़ा बहुत हुई, तो उससे क्या हो जाएगा, बायस आ जाएगा मेरे में, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लाइक जज को मैनिपुलेट करने की, तो उससे इश्यूज आ सकते। हाँ ओके समझा, हाँ समझा। एक काम करते हैं, स्मार्टी भाई को मैसेज कर दो, मैं उनके साथ भी हो सके तो बातचीत कर ही लेता हूँ लगे हाथ। ओके हम लोग पूछते स्मार्टी भाई को कहाँ पे, डिस्कॉर्ड बुला लो उनको, जिससे आ जाओ स्मार्टी भाई, भाई पूछते उनको, चलो आ जाओ। शायद यहाँ पे थे ना, रेड में कुछ कर रहे थे। हाँ, क्योंकि जब रेड हुई तब तक तो यहाँ पे ही थे, बट अभी के लिए पता नहीं कहाँ चले गए। बट अरे ईशान भाई सच बताओ तो ये टाइम ऐसा है कि आप सभी को मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि उज्जवल भाई और फ्लीट जो ना बहुत ही बड़ी वाली प्लानिंग कर रहे हो, और उज्जवल और फ्लीट की प्लानिंग हर बार ऐसी होती है जिसके अंदर आप लोग लड़ते हो, आप लोग मरते हो, और आपने जितना ग्राइंडिंग किया होता है, जितना सामान आप इकट्ठा करते हो, मतलब इकट्ठा करते हो, सभी सामान एक ही घंटे के अंदर सभी सामान आपका चला जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी ऐसा हो। तो अगर आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे और मेरा काम जितना आसान करोगे उतना आपके लिए ही इजी रहेगा, आपका काम करना जो होगा वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि आपको चीज़ें बार बार नहीं लानी होगी नेदर की कोई भी चीज़ें। तो देखो अच्छी भाई, हो सके तो भरोसा करके देखो। देखो अच्छी भाई मुझे पता है आप जो बोल रहे हो ना वो सच है, लाइक ऐसा तो हो ही गया बहुत बार, तो ऑब्वियसली ये तो आपने सच्ची बात बोली है, बट ऐसा है ना अच्छी भाई मैं आपके ट्रस्ट कर सकता हूँ, बट वैसा वाला नहीं कर सकता कि भाई चलो आपने कुछ भी बोल दिया वो कर लूंगा। ओके समझा, तो मतलब आप पे पूरा ट्रस्ट भी नहीं हो, तो आपका सब कुछ मैं झूठ भी नहीं मानता। ओके ऐसा है, समझा। तो अभी एक मिनट के लिए
स्मार्टी भाई को बुला लो। स्मार्टी भाई कहाँ पे है भाई? स्मार्टी भाई कहाँ पे रह गए? वो आए नहीं ना अब तक। हेलो हेलो हेलो, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया गाइस। ओके ओके, वो दिख गए मेरे को, जो दिख गए। अरे आ जाओ आ जाओ स्मार्टी भाई। अरे हाँ, तो स्मार्टी भाई मैं यही कह रहा था कि कोड बन गया है, आपको बताओ कि ईशान भाई और सभी लोगों ने कोड बनाया है और आने वाले समय में मेरी एक हियरिंग होने वाली है जिसके अंदर मेरे को एक लॉयर चाहिए, एक वकील चाहिए। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप वकील मेरे लिए बनो, क्योंकि आज तक आपने एसएमपी के अंदर किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, ना किसी के साथ आपने आज तक मारपीट करी है, और लाइक आप एकदम दूध के धुले हुए एक इंसान एसएमपी के अंदर, अपन लोग एसएमपी में बोल सकते हो कि आप ही हो, और तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वकील बनो। ओके, तो अच्छा, जो अभी हमारी जो लाइव स्ट्रीम आने वाली है उसमें जो आपकी सुनवाई, उसके लिए मैं वकील बनूँ आपका? हाँ वकील, और मैं आपको जितने भी प्रूफ चाहिए होंगे वो सभी प्रूफ भी दूंगा, और एज अ वकील आपको जितना लाइक जितना आपका पैसे लगेंगे, लाइक आप मेरी वकील मेरी साइड से वकील का काम करने वाले हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी पैसे लगे वो भी आप मेरे से एमरल्ड के थ्रू ले सकते हो, मैं आपको एमरल्ड भी दे दूंगा, बट आप हो सके तो प्लीज मेरे लॉयर बन जाओ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को लॉयर की जरूरत है और ईशान भाई नहीं मान रहे हैं। ईशान भाई क्यों नहीं मान रहे आपके लॉयर बनने के लिए? क्योंकि वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ, तो वो वही बोल रहे हैं कि हाँ वही एक रीजन है बहुत अच्छे, तो लोगों को लगेगा कि वो समझ रहे हो, क्योंकि दोस्त है वो और बायस्ड वगैरह का सीन लगेगा, और आप बायस्ड नहीं हो ना। हाँ समझ गया, समझ गया। ओके तो ठीक है भाई, मैं तो तैयार हूँ, मेरे को आपके बन जाओगे, प्रूफ्स वगैरह चाहिए होंगे बहुत। हाँ तो मैं आपको प्रूफ सभी के सभी ना दे दूंगा, लाइक आपको जो भी सवाल है आप मेरे को अभी पूछ लो, जितने भी सवाल आपको लगते हैं वो सवाल सभी मेरे को पूछ लो। चलो चलो ठीक है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो आप लोगों ने सब ने किया था मिलके, आप तीन बंदों ने, ओके मतलब उसमें आप भी ऑफ कोर्स गुनहगार थे, बट अभी आप बोल रहे हो कि लाइक यू नो आपने उतना बड़ा हाथ नहीं था, लाइक जो भी है, तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल में आपका हाथ नहीं था, क्योंकि मैं सच की साइड देना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, देखो मैं बताता हूँ, जब पहले स्टार्टिंग में जब प्लानिंग स्टार्ट हुआ ना, तब उज्जवल और फ्लीट का प्लानिंग ऐसा था कि एसएमपी के ऊपर राज करना है उन लोगों को, मतलब एसएमपी के ऊपर जितने भी आप सभी हो उन सबके ऊपर राज करना था, और उन लोगों ने मेरे को भी साथ में लिया था, और जब मेरे को पता लगा कि इसके अंदर राज करने का इन लोगों का मतलब ये था कि आप सभी को जब मन चाहे तब वो लड़वा सके या चीजें, मेरे को ऐसा लगा था कि राज करने का मतलब कि आप सबको गाइड करेंगे, लाइक आपको जो चीज़ें बोलेंगे वो चीज़ आपको लेके आनी है, और उसके बदले में आपको कुछ टैक्स वगैरह वगैरह कुछ रखेंगे वो लोग, और वो चीज़ें करनी है, बट ये लड़ाई झगड़ा और एक एक महीने की मेहनत आप लोगों की बहुत ज़्यादा, जो आप नेदर के पीछे भागते हो, मतलब नेदराइट चीज़ें बनाते हो, ये वेस्ट वगैरह, वो सभी चीज़ें आपकी एक एक घंटे के अंदर टूट रही थी, लाइक वो जा रही थी और इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो मैंने बोला कि अभी मैं प्लानिंग में नहीं हूँ, जैसे ही एसएमपी के सभी लोगों का नुकसान होने लगा, तो इसी वजह से मैंने आप सभी को ये चीज़ बताई। तो हाँ मेरा हाथ है बट इतना बड़ा नहीं है, मैंने इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया, और हाँ उसका मेरे पास एक वीडियो प्रूफ भी अगर आपको चाहिए होगा तो आई थिंक मैं आपको दे सकता हूँ, बट अभी के लिए तो नहीं दे सकता, बट जब कोर्ट की सुनवाई वगैरह होगी तब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ प्रूफ आपको दे सकूँ। एज अ लॉयर मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपका लॉयर बनता तो भाई मैं आपको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मुझे सारे प्रूफ चाहिए होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साइड से, लाइक मुझे चाहिए कि आप 100% जो बोल रहे हो मुझे वो सच है, मैं आपका साथ दूंगा, बिकॉज एक्चुअली जो भी सब कुछ हुआ है, जो भी इन दोनों की प्लानिंग थी, सबको लड़वा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि लाइक बंदे इतनी ग्राइंडिंग करते हैं हफ्तों हफ्तों भर की, और वो एक एक घंटे में खत्म हो रही है सारी, लाइक वही बहुत गलत है, ये मैं मानता हूँ। यस, तो अब इसको खत्म तो करना पड़ेगा। तो एक और सवाल है मेरा आपसे, मान लो अगर हम लोग हार जाते हैं, कुछ सीन है, तो आप सजा को एक्सेप्ट करोगे या फिर क्या होगा, या आप फिर बगावत कर लोगे? देखो अगर हम लोग केस हार जाते हैं ना, तो आप लोग जो भी सजा दोगे वो मैं सजा लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने गलती करी है, थोड़ी बहुत करी है, इतनी ज्यादा नहीं करी है। हाँ मैं अभी तुम लोगों को सब सच बता रहा हूँ, बट हाँ तब मैंने आपको बताया जब मेरे को लगा कि लोगों का नुकसान हो रहा है, बट उससे पहले तो मैं भी तो साथ में था ना, तो एक तरीके से मेरी गलती है क्योंकि मैं उन लोगों का साथ दे रहा था, बट उनके प्लानिंग में चेंजेस आया एसएमपी के अंदर, उन लोगों को राज करना था, अगर वो चाहते ईशान भाई और स्मार्टी भाई लड़ाई करें तो वो दोनों लड़ाई करने चाहिए थे, उस टाइप से उन सब चीज़ें वो लोग प्लानिंग कर रहे, तो इस वजह से मैंने लीव किया, बट हाँ मेरी थोड़ी बहुत गलती है, तो हाँ अगर मेरे को सजा मिलती है तो मैं सजा लेने के लिए भी तैयार हूँ। और मेन चीज ये है कि मैं आपका लॉयर बनने को तैयार इसलिए भी, क्योंकि आप एक्चुअली गलती करने के बाद सुधार रहे हो अपनी गलती को, तो यस मैं तैयार हूं इसलिए आपका लॉयर बनने के लिए। बिल्कुल 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 मेरी साइड से हाँ है।
ओके चलो स्मार्टी भाई भाई अपन लोग मिलते हैं, जब सुनवाई होगी उस दिन मिलते हैं अपन लोग। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, पर उससे पहले भी आपसे मैं मिलके आपसे डिस्कस करने वाला पॉइंट्स ऑफलाइन। ओके अरे पक्का पक्का, बट मेरे को आप ये बता दो कि आपको कितने एमरेड लगेंगे मेरा काम करने के लिए। मेरे को बस आप एक स्टैक दे दो 64 का, हो गया। हाँ ओके मैं आपको वो दे दूंगा, तो आप मेरी साइड से केस लड़ लेना। मैं अभी निकलता हूँ, फिर मैं काम करता कुछ अपना। ओके पक्का भाई पक्का पक्का। ओके बाय बाय। नहीं नहीं ईशान भाई आप मेरे, नहीं ईशान भाई आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो ना, क्योंकि आप इधर आ जाओ, मेरे को आपका एक थोड़ा सा काम है। ठीक है ठीक है, आता हूँ मैं। बाय बाय, साइड पे आ जाओ। बाय 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 स्मार्टी भाई भाई। हाँ अरे ईशान भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने उनको स्मार्टी पाई भाई को बोला कि मेरे पास एक वीडियो प्रूफ भी है, बट वो वीडियो प्रूफ इतना ज़्यादा, मैं देखो मेन चीज़ वो है कि हाँ हम लोगों ने, सभी लोगों ने थोड़ी बहुत गलती करी है, बट मैं ये नहीं चाहता, हम सब ने नहीं, मतलब हम तीनों के थोड़ी नहीं, मतलब हम तीनों ने गलती करी जिसके अंदर थोड़ी बहुत गलती मेरी थी, बट जो वीडियो प्रूफ मेरे पास है वो ऐसा है कि पूरी हीरो ब्रांड SMP को तबाह कर सकता है, मतलब हीरो ब्रांड SMP का आखिरी दिन बन सकता है, वो वाला प्रूफ है वो। और वो उसकी एक मेरे पास CD है जिससे आप प्ले कर सकते हो, बट आप मेरे को एक वादा करो कि उस CD तब तक आप भी मत देखना, मतलब अगर ऐसा होगा कि अगर मैं कोर्ट के अंदर केस जीत जाता हूँ, अगर मैं जीत गया इनकेस कोर्ट के अंदर केस, तो आपको ये CD मेरे साथ आके जला देनी है। अगर मैं केस हार रहा हूँ, मतलब एंड मोमेंट पे आ गया है कि मैं हारने लगा हूँ, तब आपको ये CD जो है वो जज के सामने चलानी है और उनको सभी ये प्रूफ दिखाने। इसके अंदर जो वीडियो है मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि वो हीरो ब्रांड SMP का आखिरी दिन बन सकता है। तो आप मेरे को एक ये कंफर्म कर दो कि आप CD आप खुद नहीं देखोगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे काले सच है और डार्क सीक्रेट जो बोलते हैं अपने हीरो ब्रांड SMP के, सभी छुपे हुए हैं, जिसके अंदर आपके कुछ लोग भी शामिल है और वो लोग भी बहुत बड़े कांड कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर है, तो प्लीज़ आप मत देखना जब तक। जब आपने बोला कि भाई हम कुछ मेरे साइड के भी लोग पड़े इसमें, तो भाई थोड़ा मुझे मन तो कर रहा है देखने का, बट देखो भाई अच्छा अभी मैं आपको मेरा मतलब आप देखो आप मेरे हाँ जुबान में देखो, आप मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तो मैं आपके ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, बाकी किसी के ऊपर नहीं कर सकता। एक मिनट के लिए आ जाओ, मैं सो लेता हूँ पहले। मैंने कितने भी बुरे काम किए, ओके एक भी काम ऐसा नहीं किया ना बता के, लाइक जो भी किया मैंने बुरा भी वो बता के किया, तो मैं आपको अब रुको उठने दोगे। हाँ तो देखो अभी मैंने जैसे बता दिया आपको कि भाई मैं CD देखूंगा नहीं जब तक जज का लाइक जज के सामने दिखाने की जरूरत ना पड़े, तो मैं ऑब्वियसली नहीं देखूंगा, डेफिनेटली नहीं देखूंगा। बिल्कुल जो जलाने वाली बात है अज्जू भाई, ओके मुझे लगता है कि मुझे मतलब जलाना तो नहीं चाहिए आपको अगर फ्यूचर में हो, बट आपका चॉइस है वो, क्योंकि आपकी CD है, आपका पर्सनल चॉइस है वो, तो वो तो आप जो करना है उसके साथ कर लेना, बट मैं पर्सनली देखूंगा नहीं। ओके आप भी मत देखना, और जब केस हारने लगे तभी देखना। ये केस CD का नाम है एंड ऑफ हीरो ब्रांड SMP जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, प्लीज भाई इसे देखना मत, आप ले लो। और भाई भाई नाम पढ़ के लग रहा है भाई देखो ही नहीं इसको। हाँ मत देखना बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा भाई मैं ना इसको अभी आपके सामने ना ये एंडर चेस्ट में रख देता हूँ। ओके पक्का भाई, थैंक यू थैंक यू। कभी भी मैं एंडर चेस्ट से निकालूंगा इन्हें CD को। ओके जज जब पूछेगा ना तब जाके हम लोग लाइक जब जरूरत पड़ेगी जज से परमिशन लेके मैं लेके आऊंगा। बिल्कुल, और ये लिखवा के ले लो कि वो दिन मेरे को ऐसा लिखवा के क्यों नहीं, बट मैं कहीं ना कहीं पे कंफर्म हूँ कि वो दिन आखिरी होगा हीरो ब्रांड SMP का जब ये CD प्ले करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट के अंदर CD प्ले ना हो और मैं केस जीतू, और आई होप मेरे को स्मार्टीफाई केस जीता देगा, बट इनकेस नहीं जीतते तो अपन को ये CD दिखानी ही होगी। देखो अच्छी भाई मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने स्मार्टीफाई को सब सच बता दिया ओके तो आप केस जीतोगे, लाइक अगर सब कुछ सच बताया, क्योंकि स्मार्टीफाई भाई जो भी आप बोलोगे उनको सच लगा प्रूफ्स के साथ, तभी वो उस पर लाइक काम करेंगे, तभी उस पर सोच विचार करेंगे, और उनको दिखा कि सामने वाले झूठ बोल रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग लाइक स्मार्टीफाई उनका झूठ बता देंगे सबको। बट अगर आपने उनको झूठ बोला गलती से भी, तो शायद से मुझे नहीं लगता आपके चांसेस हो गए, तो मैं तो बोलूंगा भाई आप उनको सच ही बता दो सब कुछ। पक्का, नहीं मैंने उनको सब चीज़ें जो भी है हम बातचीत करेंगे तब मैं सब कुछ सच बता दूंगा, और आई होप सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और चलो ईशान भाई अपन लोग भी मिलते हैं फिर, CD मत देखना भाई प्लीज। ओके अरे क्या CD देखो अज्जू भाई, मैं तो चला वापस कसिनो में जुआ खेलने, वही बचा है मेरे पास अब। अरे पक्का भाई, बाय 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 बाय।
आई होप भाई लोग आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। देखो मेरे को वीडियो इतना आई थिंक काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। और हाँ, इस सीढ़ी के अंदर ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट है जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। तो वेट करो, अगर जरूरत पड़ी तो ये सीढ़ी भी प्ले होगी, वो लोगों को प्रूफ भी देखेगा। बट तब तक के लिए सबको बाय बाय भाई लोग, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।